Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first title is about Operation Jericho. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Post Independence History. Internal security perspective se is important. Hai. एंड ऑपरेशन जेरिको का अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इट इज एसोसिएटेड विथ इंसर्जेंसी मिजोरम तो देखिए मिजोरम uh, को स्टेटहुड मिला नाइनटीन एटी सेवन में लेकिन स्टेटहुड मिलने से पहले मिजोरम के अंदर इंसर्जेंसी का काफी सारा प्रॉब्लम था और ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई नाइनटीन सिक्सटीज में और मिजोरम की इंसर्जेंसी की ओरिजिन को आप लिंक कर सकते हैं विथ फ्लावरिंग ऑफ बैम्बूज अब ये क्या मामला है बैम्बूज के फ्लावरिंग से कैसे इंसर्जेंसी फॉर्मेंट हुआ कैसे राइज हुआ वो जरा समझिए। देखिए मिजोरम के अंदर बैम्बूज की फ्लावरिंग जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में हुई इन 1950s के uh, मिड टाइम 1955 में एक्सेसिव फ्लावरिंग ऑफ बैम्बूज के कारण हुआ क्या कि जो रोडेंट्स हैं खासकर रैट्स वगैरह उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी बिकॉज आफ्टर ईटिंग अ बैम्बू सीड्स द रैट्स टर्न टूवर्ड्स आई मीन दे दे आर पॉपुलेशन ग्रीव इन लार्ज नंबर और धीरे धीरे जब रैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर ये रैट्स जो फार्मर्स के क्रॉप्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने लगे और ये सब चीज चला तीन चार सालों तक 1955 से लेकर के 58, 59 तक और इन टाइम में राइट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि फिर 1959 देर वॉज फेमाइन इन मिजोरम एग्रीकल्चरल फेलियर इन मिजोरम क्रॉप स्कैरसिटी फूड स्कैरसिटी इन मिजोरम जिसको नाम दिया गया मौतम फेमाइन बिकॉज मौतम मींस फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली द बैम्बू फ्लावरिंग प्लांट्स तो उसे वहां का रिलेशन है मौतम फेमाइन का तो मौतम फेमाइन में इसकी शुरुआत हुई बैम्बू प्लांट्स की एक्सेसिव फ्लावरिंग से जिसको खा करके रैड्स की पॉपुलेशन बढ़ी और जिस कारण से बाद में बाकी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हुए जिस कारण से वहां पे फेमाइन के सिचुएशन क्रिएट हुई अभी फेमाइन ऑन पीक ड्यूरिंग बट अनफॉर्चुनेटली मे बी बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल डिस्कनेक्ट बिटवीन डेली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और भी कोई फैक्टर हो सकता है पॉलिटिकल इंडिफरेंस उस टाइम में शायद से नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोर्स वाज नॉट द कोर ऑफ द कंसर्न फॉर द लीडर सिटिंग इन दिल्ली जो भी कारण हो लेकिन मौतम फैमाइन को लेकर के भारत सरकार ने काफी ज्यादा सीरियस एक्शन नहीं लिए डिस्पाइट सीवियर सफरिंग ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम जिस कारण से मौतम फैमाइन में जब भारत सरकार ने इनफ या अप्रोप्रिएट uh, स्टेप्स नहीं लिए तो मिजोरम के अंदर लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसकंटेंट डेवलप होने लगा एंड दैट लेड टू बिगिनिंग ऑफ इंसर्जेंसी इन मिजोरम और उस इंसर्जेंसी के लिए जो पार्टी बनाई गई इंसर्जेंसी मूवमेंट को लीड करने के लिए वो थी मिजो नेशनल फ्रंट एम जिसके लीडर थे लालडेंगा तो इस तरीके से इंसर्जेंसी शुरू हुई मिजोरम के अंदर और ये इंसर्जेंसी काफी स्ट्रांग थी और उसका स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन जेरी को दैट वॉज लॉन्च बाई द इंसर्जेंट ग्रुप एम एन एफ हुआ क्या कि मिजोरम की इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए मिजोरम के अंदर असम राइफल्स के दो बटालियंस को इंस्टॉल कराया गया वहां पे उनको इंस्टेट कराया गया मिजोरम इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए लेकिन इसके अगेंस्ट आसाम राइफल्स के जो दो बटालियन से उनके अगेंस्ट फिर ये जो मीजो इंसर्जेंट्स हैं बाय द पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन जेरिको द पर्पस ऑफ ऑपरेशन जेरिको एज पर सेपरेटिस्ट ग्रुप वाज़ टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट मिजोरम एंड इन द अर्ली फेज दे वर क्वाइट सक्सेसफुल ऑल्सो ऑपरेशन जेरिको वॉज क्वाइट सक्सेसफुल It was an example कि कोई इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट ग्रुप ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन तरीके से अटैक कर सकते हैं और आसाम राइफल्स वी आर कम्प्लीटली इतना ज्यादा डिवास्टेट कर दिया था उन्होंने लगभग तीन से चार महीनों तक मिजोरम वॉज डिक्लेयर एज एन इंडिपेंडेंट रीजन प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर मेड एंड फॉर द आसम राइफल्स टू सरेंडर बाई द बीजो नेशनल फ्रंट अंडर देशन जेरिको लेकिन फिर धीरे धीरे काउंटर अटैक हुआ भारत सरकार के तरफ से फिर इंडियन एयरफोर्स ने आसाम राइफल्स को ग्राउंड पे सपोर्ट करना शुरू किया इंडियन आर्मी ने फिर उसमें इंटरवीन किया और धीरे धीरे वहां पे ऑपरेशन जेरिको के कारण जो वहां पर लॉलेसनेस फैला था उसको रिस्टोर किया गया लॉ एंड ऑर्डर को एंड एरिया वॉज रिक एज पार्ट ऑफ इंडिया एज ए सोहरेन स्टेट लेकिन ये ऑपरेशन जेरी को हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आप भारत सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है लोकसभा के अंदर तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वैसे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट होना ही था और हो भी गया क्योंकि मौजूदा सरकार के पास मेजोरिटी है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वोटिंग के बाद जब वो डिफ, मोशन डिफीट हो गया था उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दिया उसमें उन्होंने ऑपरेशन जेरिको का जिक्र किया और इंडियन एयरफोर्स की तारीफ करते हुए कि इंडियन एयरफोर्स ने कैसे देश को सर्व किया इतने सालों में और वहां पर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ऑपरेशन जेरिको के बाद वापस से इंडियन एयरफोर्स ने मिजोरम को रीइंस्टेट कराया एज टेरिटरी ऑफ इंडिया सो उस कॉन्टेक्स में ऑपरेशन जेरिको का जिक्र आया है और इस तरीके से आप मान सकते हैं कि नाउ ऑपरेशन जेरिको इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम सीधा सीधा एक लाइन में पूछ देगा जेरी को रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच इवेंट्स मिजोरम इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म ऐसा कुछ वो पूछ सकता है मिजोरम की अगर आप uh, थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो मिजोरम वॉज पार्ट ऑफ आसाम लाइक मैनी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ज्यादातर तो पहले से आसाम का हिस्सा ही थे मिजोरम वॉज ऑल्सो सिमिलरली पार्ट ऑफ आसाम इसको कहा जाता था इस एरिया को कहा जाता था मिजो हिल्स रीजन ऑफ आसाम बाद में 1972 में पहले इंसर्जेंसी के कारण थोड़ा सा दबाव में आकर के इंसर्जेंसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने मिजोरम को डिक्लेयर किया एज ए यूनियन टेरिटरी 1972 में बाद में ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है इन्होंने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया एंड दे साइंड अ पीस अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिजो पीस अकॉर्ड इन नाइनटीन और उसके बाद फिर मिजोरम को फुल स्टेट दे दिया गया

तो ये आर्टिकल जो है या ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस गवर्नेस से जीएस पेपर स्पेशली इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता उसी कहते हैं कि e उसका है क्या है ये सेंट्रलाइज पब्लिक रिवांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वो जरा समझिए देखिए ये ट्वेंटी फोर इंटू सेवन एक पोर्टल है जहाँ पे हमारे आपके जैसे जो कॉमन सिटीजन हैं इस देश के वो भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कोई भी अगर ग्रीवांज है तो उसको वो रजिस्टर कर सकते हैं स्पेशली भारत सरकार के अगेंस्ट भारत सरकार के किसी भी मिनिस्ट्री किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ग्रीवांज है कि ये काम मेरा फंसा हुआ है मेरा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है जो तो भी है वो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से तो आपके लिए ये पोर्टल है सेंट्रल पब्लिक रिवांस रेड्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम

उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी मिनिस्ट्रीज में जाना है उसके अंदर डिपार्टमेंट में जाना है कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका ग्रीवेंस ग्रीवेंस है फिर वो को रजिस्टर करना है और इस तरीके से आप अपने को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं चाहे किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो ग्रीवेंस हो और उस ग्रीवेंस को कितने तरह के ग्रीवांज रजिस्टर हुए हैं जैसे आपका कोई ग्रीवेंस नहीं भी है तब भी बस आप देखना चाहते हैं कि इन जनरल कितने तरह के कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए और उस उसपे कितना एक्शन लिया गया ये सब कुछ अगर आपको देखना है समझना है तो आपको भारत सरकार की ही लॉन्च की हुई दूसरी ऐप उमंग को डाउनलोड करना होगा फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और वहां पे सेंट्रलाइज पब्लिक रेवांस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का तमाम डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिस्ट्री का रहता है कि इसमें इतने ग्रेवांज रजिस्टर किए गए और उसमें इतनों पे एक्शन अभी तक लिया जा चुका है तो ध्यान रखिए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक रिवांस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये पोर्टल है जहां पे आप अपने ग्रीवांश रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पे फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज एक्शन लेंगी उस ग्रीवांश को एड्रेस करने के लिए और तो कॉमन सिटीजन अगर उसका कोई ग्रीवांश नहीं भी है तब भी सरकार के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए वो उमंग ऐप को डाउनलोड करे और देखे कि कितने ग्रीवांज अभी तक रजिस्टर किए गए और उनमें कितनों पे एक्शन लिया गया सोचिए ये कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है अकाउंटेबिलिटी का फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में ई गवर्नेंस एक टॉपिक है हाउ ई गवर्नेंस कैन बी हेल्पफुल इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ओवरऑल गवर्नेंस चैप्टर जो हमारा पेपर है जीएस पेपर टू में उसमें तो आ ही सकता है तो सरकार के खिलाफ लोग जो है कंप्लेन सरकार के अलग अलग अथॉरिटीज के खिलाफ लोग कंप्लेन रजिस्टर करेंगे और अगर आपका कोई कंप्लेन नहीं भी है तब भी आप उमंग ऐप पर देख सकते कि अच्छा इतने कंप्लेन रजिस्टर किए गए उस पर कितनों पे एक्शन लिया गया तो सरकार को अकाउंटेबल बनाने में कीपिंग इट ऑन इट स्टोर्स न बी वेरी इफेक्टिव दैट इज वाई दिस पोर्टल एंड दिस उमंग गुड एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेस इन एप और इस पोर्टल को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस एंड पब्लिक ग्रेवास अब करंट न्यूज देखते हैं ये तो पोर्टल काफी पहले से चल रहा है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवांस रिटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम अब करंट न्यूज देखते हैं इस पोर्टल को लिंक किया जा रहा है विथ भाषणी सिस्टम बासिनी ताकि अलग अलग भाषाओं में अब हम कंप्लेन रजिस्टर कर पाए तो भाषणी है क्या देखिए भाषणी मिशन भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका पूरा नाम है नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिशन इसका सरल सा पर्पस है ये वो एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी लैंग्वेज को दूसरे इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे आप तेलुगु में कंप्लेन रजिस्टर करें और जो ऑफिसर है उसको तेलुगू पढ़ना नहीं आता उसको तमिल पढ़ना आता है तो ये भाषणी जो ए बेस्ड सिस्टम है ये तेलुगु को इंग्लिश में और तमिल में दोनों में कन्वर्ट कर देगा तो भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है देश के अंदर इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए हमारे देश की डाइवर्सिटी है आवर लैंग्वेज बट यही एक्सेसिव डाइवर्सिटी कभी कभार हमारे इंटरनल डिफरेंसेस का भी कारण बनते हैं तो इंटरनल डिफरेंसेस को कम करने के लिए भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है भाषिनी मिशन जिसके अंतर्गत आप इस ए बेस्ड टूल का इस्तेमाल करके किसी भी इंडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में

बनाया गया है इसमें कोई आ, ऐसे सीमेंट स्टील लगा करके नहीं बनाया गया है थ्री डी प्रिंटिंग से इसको बनाया गया है तो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर्मर सिलेबस जी एस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू थ्री डी प्रिंटिंग होता क्या है थ्री डी प्रिंटिंग हम लोग कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या लेयर अपॉन लेयर मैन्युफैक्चरिंग एक लेयर से दूसरा लेयर आप बिल्ड करते हैं और फिर इस तरीके से ओवरऑल एक थ्री डी स्ट्रक्चर बन जाता है होता क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर में आप सिमुलेशन की मदद से जो भी स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है उसका ऑनलाइन डिजाइन आप बनाइए थ्री ऑनलाइन डिजाइन जैसे ये पोस्ट ऑफिस बनाया गया होगा तो पहले इसका कंप्यूटर सिमुलेशन से थ्री ऑनलाइन डिजाइन बनाया गया होगा फिर उसको फीड कर दिया जाता है सिस्टम में और उसमें फिर लेयर ऑन लेयर प्रिंटिंग शुरू हो जाती है जैसे इसको बनाना है पहले आपने ऑनलाइन बना दिया इसका स्ट्रक्चर और फिर लेयर ऑन लेयर पहले ऑनलाइन बना दिया आपने ठीक है और फिर आपने कमांड दे दिया और फिर लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होनी शुरू की देखिए पहला लेयर बना फिर दूसरा लेयर बना फिर तीसरा लेयर बना और फिर इस तरीके से ये थ्री स्ट्रक्चर को प्रिंट करके बना दिया दिस इज थ्री प्रिंटिंग लेयर बाई लेयर प्रिंटिंग और थ्री प्रिंटिंग की मदद से जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर में यह पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है सो so, ये पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में बनाया गया है ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को अप्रिसिएट करें कि थ्री प्रिंटिंग से क्या क्या चीजें की जा सकती है हाल फिलहाल में ये भी न्यूज निकल करके आ रहा है कि अलग अलग तरह के रॉकेट्स हमारे देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी दे आर डेवलपिंग रॉकेट्स विद हेल्प ऑफ थ्री प्रिंटिंग ये जो बेंगलोर के अंदर पोस्ट ऑफिस को डेवलप किया है लार्सन एंड टूब्रो ने एंड ये लगभग इसमें तेईस लाख रुपए का खर्च आया है तो रिलेटिवली भी आप मान सकते हैं कि थ्री हैज प्रिंटिंग चीप और ऑल्सो ग्यारह सौ स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है एंड इट कॉस्ट थर्टी टू फोर्टी परसेंट लेस कन्वेंसनल बिल्डिंग तो ऐसा भी हो सकता है पीटी में आपको सवाल दे दे कि थ्री डी प्रिंटिंग लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग बट नॉर्मली थ्री डी प्रिंटिंग इज कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू द कन्वेंसल स्ट्रक्चर ये स्टेटमेंट गलत होगा कन्वेंशनल स्ट्रक्चर की तुलना में थ्री डी प्रिंटिंग सस्ता होता है

एंड ऑफ एसमीज मंथ सावन एंड बिगिनिंग ऑफ भादो मंथ राइट right? तो इसी टाइम में जब सावन का महीना खत्म होता है भादो का महीना शुरू होता है तब मनाया जाता है देवधानी फेस्टिवल कमाख्या टेल में होस्ट किया जाता है इस फेस्टिवल को हर साल देवदानी फेस्टिवल में पूजा की जाती है मा मनसा की द सर्पेंट गॉडे तो आज उसका आखिरी दिन है 19 अगस्त को देवदानी फेस्टिवल के अंदर ऐसे होते हैं देवधास देवधाज मतलब टेम्पल डांसर्स दीस पीपल डांस ड्यूरिंग दानी फेस्टिवल एज इफ देव बिनेस्ट बाई अट ऐसे नाचते हैं जैसे इनको भूत ने पकड़ लिया हो ठीक है

और ये प्रोपोलशन से सेपरेट हो गया सत्रह तारीख को और अब ये अपने लास्ट लेग में पहुंच चुका है जहां ये ऐसे घूमते 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 जा करके साउथ पोल पे लैंड करेगा तेईस अगस्त की रात को तो ये बिल्कुल आखिरी क्रिटिकल स्टेप है जहां देखना होगा कि विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है मून के सरफेस पे इतने सारे आर्टिकल्स इस पे कवर किए हैं इस कारण से मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं है बस ये इमेज आपके साथ शेयर किया है ट से हो होते के साथ सीधा -सीधा मून सर्फेस में नहीं गिरेगा क्योंकि मोमेंटम ऐसे सर्कुलर था ना तो अब ये प्रोपोल्सन से सेपरेट हुआ अब ये लैंडर भी ऐसे सर्कुलर घूमते घूमते जाकर के यहाँ पे गिरेगा कल जब ने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था पी एम ई बस सेवा स्कीम से रिलेटेड इस सवाल में पूछा गया नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स दोनों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दस हजार बसेस चलाई जाएंगी एंड बसेस विल बी डिप्लॉयड नॉट इन मेट्रो सिटीज बट सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन थ्री लाख एंड फ्लड वॉच ऐप इट हैज नॉट बीन रिलीज बाय नीति आयोग रिलीज बाय सेंट्रल वाटर कमीशन एंड एक्सट्रीम के लिए रेड कलर है तो करेक्ट आंसर वो बी डी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग